मर गई मां की कहर टह गया जो काल जे चो कोई रुग भर के ले गया है मां वार वार बेखे करके हजार जेरा पुत्र बगैर दिसदा up to reality. कौन थे चार साहिब जादे? वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, 9 वर्ष की आयु और 8 वर्ष की आयु में आप क्या करते थे, या अभी के जो बच्चे 9 साल और 8 साल की एज में क्या करते हैं? खेलते हैं, मम्मी पापा से खिलौने की जिद करते हैं। लेकिन मैं आज जिनकी केस स्टडी बताने वाला हूं, ये कोई केस स्टडी बोलना मेरे ख्याल से मतलब सही रहेगा या नहीं रहेगा, बट ना ये एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है, जितनी छोटी आयु उतनी ही दर्दनाक मौत। और मौत क्यों? अपने धर्म के प्रति वफादार, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार, और अपनी माता और अपनी बहन की रक्षा के प्रति वफादार। नमस्कार, मैं टीनू जा स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए केस स्टडी में। आज का टॉपिक है चार साहिब जादे। चार साहिब जादे बड़ा ही सुंदर सा ये टॉपिक है और उतना ही दर्दनाक और खौफनाक इनका अंतिम समय रहा। ये चार साहिब जादे कौन थे? ये चार साहिब जादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनके पिताजी का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह जी था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में बिहार के पटना में हुआ और जन्म की कुछ साल बाद पूरी फैमिली पंजाब शिफ्ट हो गई। ये जो कहानी है ना, ये कहानी नहीं, ये दर्द बयां करती। आज हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी लिख देते, कुछ भी बोल देते हैं आजादी से। पता है ये आजादी कैसे मिली? ये आज़ादी ऐसे ही खैरात में नहीं मिली। छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने परिवार का बलिदान दिया, अपनी खून की कुर्बानी दी, तब कहीं जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। द चमकौर बैटल। चमकौर बैटल इस चार साहिब जादों की कहानी से बहुत ज़्यादा जुड़ता है। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि केस स्टडी को पूरे अंत तक देखना, मगर मैं आपको आज ये वादा जरूर करूंगा कि आपको ये इतिहास में कभी भी नहीं पढ़ाया गया। इतिहास में हमें ये सारी चीजें छिपा कर रखी गई, ये सारी चीजें बताई ही नहीं गई इनके बलिदानों के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो इस कहानी को पूरे अंत तक देखकर हर जन जन तक पहुंचाए, ताकि हमें उन छोटी उम्र में के बच्चों की कहानी पता चल सके। बात उस समय की है जब बाबा गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे कौम के साथ में अनंतपुर में रहते थे। उस समय मुगल का साम्राज्य था। मुगल चाहते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने घुटनों पे नाक रगड़ दें हमारे सामने, मगर बोलते हैं ना सिंह हमेशा सिंह होता है। जब वो इस मंसूबे पे नहीं सफल हो पाए, तो उन्होंने 10,00,000 सैनिकों के साथ में अनंतपुर को चारों ओर से घेर लिया और वहां का राशन पानी बंद कर दिया। इस सेना की अगवाई वजीर खान कर रहा, जो उस समय पंजाब में अपना हुकूमत चला रहा था। और एक सबसे बड़ी मैं बोलना चाहूंगा कि जब इसमें भी वो सफल नहीं हो पाए ना, तो औरंगजेब ने कुछ हिंदू राजा भी उसमें शामिल थे, उन्हें साथ किया और जो धोखे से भेजा गुरु गोविंद सिंह जी के पास, और हिंदू राजा ने गौ माता की कसम खाई और मुगलों ने अपने धर्म की कसम खाई
कि आप जाओ यहाँ से, हमारे 10 लाख सैनिक आपका पीछा नहीं करेंगे। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो वहाँ से निकले और उसके पीछे पीछे 10 लाख मुगल सैनिक नंगी तलवारें लिए काटो और मारो की चीख के साथ निकल पड़े। आगे जाकर सिरसा नदी मिलती है, सिरसा नदी उफान में रहती है। और इसी बीच बाबा जी बोलते हैं कि कुछ सैनिक रुक कर मुगल सेना को रोकेंगे और बाकी लोग नदी पार करेंगे। और इसी भगदड़ में बाबा जी और उनका परिवार अलग हो जाता। द चमकौर बैटल इतिहास का वो सबसे भयानक युद्ध और वो सबसे बहादुर युद्ध जो आपके इतिहास से छिपाया गया, पता है क्या? एक तरफ 40 सिख, मात्र 40, और एक तरफ 10 लाख की फौज। 1 लाख, 10 हजार, 5 लाख नहीं, 10 लाख की फौज। ये चौकौर बैटल अपने आप में ही एक गौरव का पल है। जब हम सब भारतीय इसको सुनते हैं ना, सीना चौड़ा हो जाता है कि कैसे सिखों की कुर्बानी है जो आज हम यहाँ पर खड़े होके आपको इनकी गाथा सुना पा रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको तो छोटे साहिब जादों की बात बताना चाहूँ, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के बारे में। क्या था, जब नदी में अलग हो जाते हैं ये, तो उनके ही बाबा गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ नौकरी करते थे, उन चंद सिक्कों के लिए मुगल के हवाले कर देते गुरु गोविंद सिंह जी के माता को और दोनों छोटे बच्चों को। पता है उनकी आयु क्या थी उस वक्त? मात्र 9 साल और 7 साल। बच्चे ठीक से चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते। और उस समय जब गुरु गोविंद सिंह जी को हरा नहीं पाए, कैद नहीं कर पाए, पता है बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को, मतलब सोच कर ही आंखों में ना आंसू आ जाती है, जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। बोला कि इस्लाम कबूल करो, अपना धर्म परिवर्तन करो, अपने राष्ट्र का मोह त्याग दो या अपनी जान वापस ले लो। बोला कि मरना मुझे मंजूर, मगर अपने धर्म से गद्दारी नहीं करूँगा। 9 साल की उम्र, इतनी दर्द, इतनी यातनाएं सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते। कितना दर्द झेला होगा जब उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, सांस नहीं लेने को उनको मिल रहा था। अंदर से फिर भी एक ही आवाज आ रही, वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। ये आवाज ना वजीर खान के सीने को छल्ली कर रही थी। ये 9 साल का छोटा बच्चा लग रहा था कि ललकार रहा है, उसके दिल को वो गवारा नहीं गया। उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि दीवार को तोड़वा दिया जाए। तोड़वा दिया गया, दो बच्चे अधमरे अवस्थे में निकले, उन्हें जबरदस्ती खड़ा किया गया और गला को रेत कर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह बहुत छोटी आयु में तड़प तड़प कर मौत, मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए और पूरी जनता वहाँ की सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन चेहरे पर न सिकन, न चेहरे पर उदासी थी, न माथे पे सिकन थी, न चेहरे पे उदासी थी। और वो बोलते थे, क्या कहते थे, सिंह का बेटा सिंह ही रोता है। मैं अपने धर्म किसे कभी गद्दारी नहीं करूँगा, मैं अपने राष्ट्र से कभी गद्दारी नहीं करूँगा। मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की आयु, जहाँ पे आज के समय में लोगों को पता नहीं होता है। आप जरा सोचो, आज हमारे घर में थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब होती है, आज परीक्षा का माहौल होता है। मैं सारे स्टूडेंट लोगों से बोलना चाहूँगा, एग्जाम होता है, टेंशन हो जाता है, 9 का बोर्ड है, 10 का बोर्ड है, कैसे करो। जान पर बनाई थी 9 वर्ष और 7 वर्ष के बच्चों को, लेकिन उसके माथे पे एक सिकंज नहीं था और चेहरे पे घबराहट नहीं थी, मुख पर उनके बस मुस्कुराहट थी। मौत सामने काल घबरा जा रहा था उनकी उनकी उस बहादुरी को देखकर। वहाँ पे खड़े सारे मंत्री हैरान थे कि इन बच्चों को डर नाम की कोई चीज होती है या भी नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, सिंह को डर शब्द का मतलब भी नहीं पता होता। और इतनी दर्दनाक मौत, और अंत में उनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती। ये तो बात की घटना है, लेकिन इससे पहले होती है द चमकौर बैटल, चमकौर की वो भयानक युद्ध जहाँ पे एक तरफ 10 लाख सैनिक और एक तरफ मात्र 40 सिख। आपने कभी शेर की दहाड़ सुनी? मैंने सुनी।
जब मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी की केस स्टडी बनाऊं, वो दहाड़ मैं आपको सुनाता हूँ जिस दहाड़ ने 10 लाख मुगल सैनिकों की नींद उड़ाकर रख दी है। वो दहाड़ क्या थी? वो दहाड़ थी चिड़ियों के संग बाज लड़ावा, गिदड़ों में शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तहे गुरु गोविंद सिंह नाम कलावा, वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। और ये ललकार सैनिकों के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी। वो कहते हैं ना कि अगर जंगल का सारा जानवर एक तरफ हो जाए और सिंह अकेला भी रहे तो वो काफी अपने दहाड़ से जंगल के जानवरों के दिल में कंपन पैदा करने के लिए। और यही 40 सिंह काफी थे 10 लाख सैनिकों के दिल में कंपन पैदा करने के लिए। युद्ध का शुरुआत हुआ, बाबा जी ने रणनीति बनाई, किले की ऊंचाई पे थे, कई हजार सैनिक तो तीर और भाले से फेंक कर मार दिए। जब वजीर खान को पता चला कि वो ऊंचाई पर हैं, तो उन्होंने युद्ध नीति बदल दी और क्या किया, उनके तीर और भालों के रेंज से पीछे आ गए। जब पीछे आए तो उनको पता कि गुरु गोविंद सिंह जी के पास ज़्यादा दिन को खाने और रहने का राशन नहीं है। समय बीतता गया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निर्णय लिया कि अब हम ग्राउंड पर जाकर लड़ाई करेंगे। और कैसे लड़ेंगे? 5-5 की सेना भेजे, मात्र पाँच लोग लोहा लेने जाएंगे मुगल सैनिकों से। और वो 5-5 भेजते और वो 5-5 सैनिक कई सैकड़ों सैनिकों को मारकर खुद लास्ट में वीरगति को प्राप्त हो जाए। अब बात आई बाबा अजीत सिंह की, जिनकी उम्र मात्र 18 वर्ष। मैंने एक वीडियो देखी, मेरे दिमाग में उनका इमेज है, मैं बता, हल्की दाढ़ी, हल्की मूछे, माथे पे बड़ा सा पगड़ी, सिर पर गोल सा चक्र और हाथ में तलवार। और बोलते हैं अब की टोली 5 की मैं लेकर जाऊंगा, बाकी जो बचे हुए सिख बोलते हैं ना जी आप ऐसा ना करो, आप अगर चले जाओगे तो इस धर्म को, इस पंथ को कौन कैसे आगे लेके जाएगा, खालसा पंथ को कैसे आगे लेके जाएगा। वो कहते जो उन्होंने कहा आप भी ध्यान से सुन, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि जब भी इतिहास दोहराया जाएगा तो इतिहास ये याद रखेगा कि गुरु महाराज ने सिर्फ दूसरे के माओ के बेटों के शीश नहीं मांगे, बल्कि जब भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने खुद के बेटे की भी शीश सबसे पहले दी। और इस बात को बोलकर वो निकल जाते। क्या इस युद्ध को देखकर खुद वजीर खान भी हैरान हो जाता, खुद वजीर खान परेशान हो जाता है। और अंत में बाबा अजीत सिंह भी मौत को गले लगा ले। बात आती है जुझार सिंह, 14 वर्ष की आयु, दाढ़ी मूछ भी ठीक से नहीं निकली, 14 वर्ष, हम लोग 9-10 का एग्जाम देते हैं, नन्ही हाथों में ना बड़ी तलवार भी नहीं थामी जा रही। और बोलते हैं कि मैं भी बड़े भाई अजीत सिंह की तरह युद्ध लड़ूंगा, बाकी लोग बोलते हैं कि अभी आप बहुत छोटे हो, उसे मैं लड़ूंगा। और उनकी जिद के आगे कुछ नहीं चलती, गुरु महाराज से वो आशीर्वाद लेते हैं और निकल जाते हैं युद्ध पर। छोटी तलवार गुरु गोविंद सिंह जी उनको देते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है बड़ी तलवार ये संभाल नहीं पाएंगे। युद्ध पर जाते हैं, कई लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। और वो और जब उनके चारों साथी ना मर जाते हैं, उधर से आवाज आती है, बोलती है दूध के दांत अभी तेरे टूटे नहीं और आ गया युद्ध करने। बोलता है कई सैकड़ों को तो मार चुका हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कई सैकड़ों को तो मार चुका हूँ, 20 को और मारूंगा, 19 को मौत की घाट उतार देते, एक बचा रहता है। बाबा जी को भाला उनके सीने में ले जा, सीने में पार हो जाता है भाला, वो मौत को जाते रहते हैं, बोलता देख लिया मैंने गुरु के बेटों की बहादुरी। इस बात को सुनते ही वो भाला पैर से उठाते हैं और जो व्यक्ति बोलते रहते उसको मार दे कंठ के फार कर था। और बोलते 20 की गिनती पूरी हुई और हल्की हल्की सांसें चलती रहती। वजीर खान अपने हाथी से उसके सीने को कुचेल देता। ये 4 साहिबजादों की कहानी, मगर पता है और उन 4 साहिबजादों की मौत का बदला लिया बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर क्या व्यक्ति, जिनके नाम में ही बहादुर, सोचो वो कितने बहादुर। मगर ये इतिहास आपसे छुपाया गया, पता है बंदा सिंह बहादुर जिनके नाम से मुगल सल्तनत ना कांपती थी। बंदा आ गया, बंदा आ गया बोल के चारों तरफ पकड़ा था अपनी मन जाती थी।
वजीर खान के सर को धड़ से अलग करने वाला व्यक्ति बंदा सिंह बहादुर। और इनकी मौत कैसे हुई पता है? कैसे मुगलों ने इनको यातनाएं दी? बदन से इसके चमड़े को चिमटे से पकड़ पकड़ कर निकाला। सोचो कितनी दर्द, कितनी पीड़ा। मन नहीं भरा, इस्लाम कबूल कर, मन नहीं भरा। गरम तेल को उनके बदन पे डाल देते, कुछ चमड़ा निकला हुआ है सोचो, और उस पर गरम तेल। इतने में मन नहीं भरा, उनके बेटों को लेते आया गया और बोला कि इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। उन्होंने बोला कि बाबा फतेह सिंह की तरह, बाबा जोरावर सिंह की तरह मेरे भी बेटे शहीद हो जाएंगे। जल्लाद को इतने बोलने की देरी थी बंदा सिंह को, जल्लाद ने तुरंत कलेजे में हथियार घुसाया और कलेजा निकाल दिया और बंदा सिंह बहादुर के मुंह में उसके बेटे का कलेजा ठूस दिया, आंखों में गर्म सरिया डाल दिया। फिर भी उसने अपने धर्म और अपने राष्ट्र से विद्रोह नहीं किया। ऐसे महान शख्सियत थे बंदा सिंह बहादुर। अगर बंदा सिंह बहादुर पे भी आपको पूरी केस स्टडी चाहिए तो मैं बताऊंगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि इनकी जो गाथा है ना, इनकी गाथा अपने आप में एक महान है। इनको भी इतनी यातनाएं दी गई मगर इन्होंने कभी अपना राष्ट्र विद्रोह नहीं किया, धर्म विरोध नहीं किया। ऐसे महान शख्सियत, ऐसे महान महान योद्धाओं के खून है हम, और हमें इन इतिहास से छिपा कर रखा गया, हमें आपस में लड़वाया जाता है। अगर ये इतिहास आपको चार साहिब जादू अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको बंदा सिंह बहादुर की केस स्टडी चाहिए। मैं जरूर उन पे भी रिसर्च करके बंदा सिंह बहादुर की केस स्टडी लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।